देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वहीं नीमच में भी कोरोना का कहर जारी है। इस बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने का अब तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। कई देश कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। WHO और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना से बचने का फिलहाल एकमात्र उपाय है जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनकर ही घर से निकलना, सैनिटाइजर से समय समय पर हाथ धोते रहना। इन सब का पालन करके ही कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है, लेकिन फिर भी कई नागरिक इसका पालन नहीं कर रहे हैं और लगातार नीमच में नियमों का उल्लंघन देखने को मिल रहा है। कई लोग बिना मास्क के ही बाजार में दिखाई दे रहे हैं। इन सभी लोगों को करारा जवाब देते हुए आज एक गरीब व्यक्ति ने इस कहावत को चरित्रार्थ कर दिया कि गरीब हूँ साहब लेकिन लापरवाह नहीं। आज नीमच के जिला चिकित्सालय में एक गरीब आदमी जिसके पास उसके कपड़े और बिस्तर के सिवाय कुछ नहीं है, खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं, कोरोना जैसी इस महामारी से बचने के लिए मास्क तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी गरीब व्यक्ति द्वारा कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क की जगह मुंह पर पॉलीथीन की थैली लगा दी गई। जब उस व्यक्ति पर जिला चिकित्सालय में गरीब की किसी समाजसेवी की नज़र पड़ी तो उस गरीब व्यक्ति को मास्क प्रदान किया और मास्क की जगह मुंह पर लगी पॉलीथीन थैली हटवाकर मास्क लगवाया गया। ये खोल दो, ये थैली का है ना, ये खोल दो आप, ये मत लगाओ, अच्छा ये लगाओ, अच्छा दोनों कान में, हाँ, लगा लो ये, ठीक है अब, हाँ भाई सो जाओ। बहुत बढ़िया भाई।